भारतीय मीठे व्यंजन में खीर का अपना महत्व है। खीर सबको बहुत पसंद आता है। कोई भी त्योहार हो या कोई समारोह, खीर अवश्य बनाई जाती है। खीर कई तरह के बनते हैं, जैसे चावल की खीर, बादाम की खीर, सेवई की खीर इत्यादि। आज हम यहाँ कुछ अलग पौष्टिक खीर की बात करने वाले हैं, जो बिहार के दरभंगा में खूब प्रसिद्ध है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खीर की जिसका हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी असर पड़ता है। यह भी लगभग दूसरे खीर की तरह ही होता है। यह बहुत स्वादिष्ट बनता है और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। इसे व्रत उपवास जैसे नवरात्रि में भी बनाया जाता है। इस खीर को बच्चों के द्वारा भी काफ़ी पसंद किया जाता है। हम बात कर रहे हैं मखाने की खीर की। ऐसे तो मखाने से कई और भी चीज़ें बनाई जाती हैं, पर आज हम खास तौर पर केवल मखाने की खीर की ही बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी मखाने की खीर का स्वाद चखा है? जिन्होंने मखाना का खीर खाया है, उनके मुंह में पानी तो आ ही गया होगा मखाना खीर का नाम सुनकर। जी हाँ, अपनी पसंद की चीज़ यानी कि मखाना खीर के बारे में सोचकर मुंह में पानी आना लाजमी भी है। मखाना खीर उत्तर बिहार के दरभंगा क्षेत्र का एक विशिष्ट व्यंजन है। मखाना खीर काफ़ी कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। इस खीर को बनाने के लिए मखाना, गुड़ या चीनी, इलायची और स्वाद अनुसार पंचमेवा का इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में इस खीर की ख्याति देश के कोने कोने तक फैल चुकी है। इसका स्वाद आप दरभंगा जिले में कहीं भी चख सकते हैं। मखाने की खीर दरभंगा में इसलिए अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ के निवासी मखाने की खेती करते हैं, यानी कि वहाँ मखाने की उपज होती है, जिस वजह से वहाँ के रहने वाले लोग इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। बता दें कि कुछ समय पहले ही मिथिला के मखाने को सरकार के द्वारा GI टैग दिया गया है, जिसके बाद किसानों को उम्मीद है कि इससे उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। मखाना हेल्दी प्रोटीन का स्रोत है और यह कई बीमारियों से बचाव करता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि मखाना की खीर खाने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। मखाने की खीर मखाने से बनाई जाती है और मखाने में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक पेट भरा हुआ लगता है। लंबे समय तक पेट भरा रहने के कारण लोगों को ओवर ईटिंग की संभावना कम हो जाती है, जिससे व्रत के दौरान लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होती। कई रिसर्च में मखाने को लेकर यह भी बात सामने आई है कि मखाने में फाइबर और घी में गुड फैट पाया जाता है, जिसका सेवन करने से पाचन संबंधित समस्याओं से बचा जा सकता है। वहीं अगर इस खीर को व्रत के दौरान खाया जाता है तो कब्ज, पेट में दर्द जैसी समस्याओं को खुद को बचाया जा सकता है। इस खीर को बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया जाता है और दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 होता है। इनके अलावा इसमें विटामिन A, D, K और E सहित फास्फोरस और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जो शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। जिन लोगों को व्रत के दौरान ऑफिस जाना पड़ता है या हल्का फुल्का काम करना पड़ता है, तो वैसे लोगों के लिए मखाने की खीर बेस्ट फलाहार माना जाता है। मखाने की खीर बनाने के दौरान हम उसमें कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं व्रत के दौरान पिस्ता को छोड़कर बाकी सभी तरह के नट्स जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट, सूखा नारियल और अंजीर खाने की सलाह दी जाती है। इन सभी नट्स में प्रोटीन और फाइबर के साथ साथ कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। आपको बता दें कि ताजे फलों की अपेक्षा नट्स ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर मखाने की खीर को नट्स डालकर बनाया जाए तो यह खीर सेहत के लिए और भी फायदेमंद बन जाती है। ये वैसे लोगों को काफ़ी फायदा करेगा जिन्हें व्रत के दौरान कमजोरी महसूस होती है या चक्कर आने जैसी समस्या होती है। बारिश के मौसम में व्रत रखने वाले कई लोगों को पित्त के असंतुलन की शिकायत रहती है, तो वैसे लोगों के लिए मखाने का खीर फायदेमंद हो सकता है। मखाने की खीर खाने से आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है। आज के लिए बिहारी जायका में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए बिहारी व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।